2 जुलाई 2021 के फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन बुलेटिन कुछ इस प्रकार हैं। नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अब रिटेल और होलसेल सेक्टर को भी एमएसएमई के अंडर लाया जाएगा। पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ही एमएसएमई के अंडर थे, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कम इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ट्रेडर्स को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट के बाद लोअर इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ट्रेडर्स को भी मिल सकेगा। नेक्स्ट है, सेबी ने लिस्टेड कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए नॉर्म्स को टाइट कर दिया है। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए 50% से लेकर 75% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही अपॉइंट किए जा सकेंगे। ऑल डायरेक्टर्स के लिए जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिसकी टाइम लिमिट मैक्सिमम 3 मंथ्स है। नेक्स्ट है, जीएसटी डिपार्टमेंट कंपनीज पर एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस एंड ईपीसीजी लाइसेंस पर जीएसटी लगाने की फिराक में है। अभी एमईआईएस एंड एसईआईएस लाइसेंसेस जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन ईपीसीजी एंड एए लाइसेंस को लेकर जीएसटी में कोई प्रावधान नहीं है। कंपनीज इन दोनों लाइसेंसेस को स्टैच्युटरी लेवीज मानते हुए अभी जीएसटी नहीं दे रही है। डीआरआई सेल ने नोटिसेस इशू करने शुरू कर दिए। कुछ कंपनीज ने इनको लेकर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कैनन इंडिया के केस में ये जजमेंट दे चुकी है कि डीआरआई कैनोट इशू शो कोज नोटिसेस। नेक्स्ट है, मई का फिस्कल डेफिसिट बजटेड एस्टीमेट का 8.2% है, जो कि हाई टैक्स कलेक्शन एंड बिजनेस ग्रोथ के कारण काफी लो लेवल पर है। लास्ट ईयर ये 59% था।